प्रदेश में भर्ती परीक्षा में हो रही धांधली पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। संघ से जुड़े बेरोजगार ने कोटद्वार में जुलूस निकाला। भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराने सहित 10 दिनों के अंदर नया परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग की। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर संघ से जुड़े बेरोजगार उद्यान में एकत्रित हुए संघ अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि जहाँ एक तरफ प्रदेश के मेधावी युवा नौकरियों के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तो वहीं राजनीतिज्ञों, अधिकारियों, नकल माफिया से भगत करके भर्ती परीक्षा में धांधली कर नौकरियां बांटी जा रही हैं। ये बहुत बड़ा मामला है और इसकी सीबीआई जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि घोटाले में लिप्त सफेद पोशों के नाम यदि जांच कर रही एसटीएफ सार्वजनिक नहीं करती है, तो बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों नामों का खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। एक और जहां युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तो वहीं हाकम सिंह जैसे लोग युवाओं की प्रतिभाओं का सरेआम कत्ल कर रहे हैं और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई थी। मौके पर UKSSSC व UKPSC परीक्षाओं की CBI से जांच कराने, विवादित परीक्षाओं को रद्द कर फिर से परीक्षा कराने और 10 दिन के अंदर नया परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग की गई है। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। कहना चाहते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और कहीं ना कहीं परीक्षाओं में सुधार होनी चाहिए ताकि दोबारा से ये परीक्षाएं लीक ना हो और हमें भी हम मतलब जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से तुम आगे बढ़ो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीक जो परीक्षाएं लीक हो रही है बेबात की, वो उन पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, ये जो प्रदर्शन हमारे चल रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी विशेष क्षेत्र में है, ये प्रदर्शन आज पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, बात चाहे गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक की हो। और ये प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि जो परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, बैकडोर एंट्री जो हो रही है, जो नेताओं के सिफारिश एक लेटर के आधार पर बड़ी बड़ी नौकरियां बांटी जा रही है, इसलिए ये प्रदर्शन हो रहे हैं।